hello everyone welcome to DA lectures in this video we will be looking at the extension of master method uh, which actually includes some other formulas which we have actually doesn't uh, you know covered in the case 1 2 and 3 of the master method so extension of master method are some another formulas that can be used to solve the recurrence equations so let's start see sometimes

right when f of n is smaller than you know n raised to the power log a base b and it is not polynomially smaller right what is polynomially smaller that is also we are going to study in the course of this video lecture similarly there is a gap between case number 2 and 3 and uh, where f of n is obviously larger than you know your g of n but it is not polynomially larger right and it also fails to satisfy the regularity condition or the necessary condition राइट right? तो उन पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या होता है मास्टर मेथड का केस नंबर वन टू एंड थ्री जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना होता है हमें मास्टर मेथड के एक्सटेंशन यानी कि एक स्टेप आगे मास्टर मेथड को लेकर जाना पड़ता है देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो हमने लिखा है ये गैप और पॉलिनोमियली लार्जर इस चीज का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली exactly. इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है दैट इज नथिंग बट सपोज एन एक्सेस राइट जैसे हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती हैं सपोज ये एक एक्सेस है मींस एक स्केल है जिस पे हमने फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं एन के टर्म्स में जिसमें अगर आप रेड हैंड साइड पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो वो रेड कलर का मार्क है वो बताता है आपके मास्टर मेथड के पहले केस को दैट इज बिगो इन दिस पर्टिक्यूलर सिचुएशन एफोफेन विल बी स्मॉल फॉल करती है वो वैल्यूज की एक रेंज होगी वो जो रेंज होगी वो एर बी की वैल्यू के हिसाब से हम लोगों ने फाइंड आउट करी होगी राइटेन right? है वो आपके जियोफेन से स्मॉलर बैठ रहा है लेकिन वो धीरे 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 एफ एन जो है वो इंक्रीज होता है राइट right? एक गैप आता है बीच में और एफ एन की वैल्यू कहां तक रेंज कर कर जा सकती है जब वो बिल्कुल जी एन के इक्वल हो जाए तो दैट इज द यू नो सेकेंड केस दैट इज एन रेस्ट टू द पावर लॉग ए बेस बी अब एफ एन एक बड़ा फंक्शन भी हो सकता है राइट right? तो एफ एन की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि इंक्रीज होनी शुरू होती है तो इंक्रीज होते होते वो एक ऐसे रेंज में आती है दैट इज दिस ग्रीन रेंज जहां पर एफोफेन क्या होगा बड़ा होगा आपके जियोफेन के साथ राइट तो हमारा यू नो बेस्ट केस जो थर्ड केस है मास्टर मेथड का वो अप्लाई होता है अब अगेन पर पर एक जो फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज द फैक्टर ऑफ एप्साइलन हम लोगों ने एप्साइलन कैलकुलेट करा था फर्स्ट और थर्ड दोनों केसेस के अंदर एप्साइलन हमारे लिए क्या होता है पावर ऑफ एन राइट यू नो समथिंग रेज टू द पावर एन ठीक एन की पावर्स की अगर मैं बात करती हूं तो मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रही हूं जैसे लीनियर फंक्शन तो एन की पावर वन क्वाड्रेटिक फंक्शन तो एन की पावर टू क्यूबिक फंक्शन तो एन की पावर थ्री ये हमारा डोमिनेंट फैक्टर होते हैं तो अगर F of n केस नंबर वन और केस नंबर थ्री के अंदर लाइ करता है और वो पोलिनोम है तो ही हम मास्टर मेथड के केस नंबर वन टू और थ्री को अप्लाई कर सकते हैं मीनिंग ये हमारे पास यू uh, नो you know, कुछ डिफरेंट डिफरेंट uh, तरीके के ऑफ एन होते हैं जो अभी हम यहां इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर चेक करने वाले हैं। अगर हमारा ऑफ नहीं होता है सपोजिटली इटली होता है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हम मास्टर मेथड के एक्सटेंशन को यूज करते हैं मास्टर मेथड का केस वन टू थ्री फेल हो जाता है क्योंकि वो पोलिनोम नहीं होता राइट right? तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमें कब मास्टर मेथड का यू you नो know, एक एक्सटेंशन अप्लाई करना है तो उसमें देखें तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो सेम है जो मास्टर मेथड की चलती हुई आ रही है लेकिन यहाँ एफ ऑफ एन थोड़ा सा चेंज हो गया दैट मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को दोबारा देखें तो अब एफ ऑफ एन एन के पावर्स में नहीं है एफ ऑफ फेन कहाँ पर लाए करता है ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर वाली रेंज और ग्रीन कलर वाली रेंज के बीच में तो f(n) पॉलीनोमियल नहीं है n के पावर्स में नहीं है उसके अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी है फॉर एग्जांपल उसके अंदर लॉग है राइट right? तो अगर वो फंक्शन जो आपका मिडल में n रे टू द पावर लॉग एबीएस b है उससे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है तो फंक्शन स्मॉलर तो है आपके जियोफैन से लेकिन पॉलीनोमियली स्मॉलर नहीं है मे बी लोगारिथमिकली स्मॉलर हो राइट right? अगर राइट हैंड साइड के अंदर पड़ता है तो बड़ा बड़ा जरूर है है. आपके G of N से, लेकिन वो बड़ा नहीं है. That means मैं उसका जो डिफरेंस uh, you know, you know, ना कर पाने का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन के फॉर्मूले देखते हैं अगर आपके पास एफोफेन कुछ इस तरीके से है सी द डेफिनेशन ऑफ एफोफेन एफोफेन इज जियोफेन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ लॉग ऑफ एन राइट ध्यान से देखेगा एफोफेन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है एन रेस्ट पावर लॉग ए बेस बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग रेस्ट टू दावर के राइट लॉग ऑफ एन रेस्ट टू दावर के तो यहां पर एन रेस्ट टू दावर लॉग ए बेस बी जियो फेन है एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई सम पावर ऑफ लॉग ऑफ एन और वो पावर क्या है के अगर एफ ओफेन ऐसा है तो पहला एक्सटेंशन का फॉर्मूला हम किसकी पावर को चेक करेंगे लॉग की पावर को चेक करेंगे अगर लॉग की पावर दैट इज के इज ग्रेटर देन माइनस वन राइट देन वॉट वी वी विल बी हैविंग एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन मल्टीप्लाइड बाय वन एक्स्ट्रा पावर ऑफ लॉग ऑफ एन अगर आप एफ ऑफ एन को देखें तो पावर के है और यहां पर जो आंसर लिखा हुआ है उसकी पावर में क्या कर दिया गया है के प्लस वन राइट right? तो जो पावर आएगी वो एक इंक्रीज हो जाएगी अगर k इज ग्रेटर देन माइनस वन नेक्स्ट केस जो आता है हमारे पास अगर k की वैल्यू माइनस वन के इक्वल है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी दैट विल बी जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग एन रिमेंबर ये लॉग एन का लॉग है तो इसको लॉग स्क्वायर एन नहीं लिखना है वो आंसर गलत हो जाएगा थर्ड केस क्या आता है अगर k की वैल्यू लेस देन वन है तो तो जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो के इक्वल होगी क्या है इस पे ये जो तीन लिखे, इनको याद करना है ये एक्सटेंशन जो है मास्टर मेथड का केस नंबर टू का एक्सटेंशन है कैसे आप ध्यान से देखिए जो हमारे पास मास्टर मेथड का केस नंबर टू था वो क्या होता है कि एफओन और जियोफेन दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं राइट अगर इक्वल आए तो क्या मैं लॉग की पावर जीरो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा केस नंबर टू ऑफ मास्टर मेथड राइट एफओन और जियोफेन दोनों इक्वल आते हैं ठीक दैट मीन्स एफओेन इज जियोफेन इक्वल है क्योंकि उसके मल्टीप्लाइड बाई सम पावर ऑफ लॉगोफेन और वो सम पावर क्या है लॉग की जीरो तो के की वैल्यू जीरो होती है उस पर्टिकुलर केस के अंदर तो जो हमारे पास आंसर आता है अगर आप केस नंबर वन देखें यहां पर अगर लॉग की वैल्यू जीरो है राइट right? तो हम उसमें एक एड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं जियोफेन के साथ तो आंसर आता है जियोफेन मल्टीप्लाइड बाई लॉगोफेन डेट वॉज केस नंबर टू

पहले एग्जांपल uh, की जिसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है द इक्वेशन इज टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2 टी एन बाय 2 प्लस एन लॉग एन तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जो हमारा एफ ऑफ एन है वो पॉलीनोमियल नहीं है पॉलीनोमियल एफ ऑफ एन का क्या मतलब होता है सिर्फ एन की पावर्स में हो सपोज एन हो एन स्क्वायर हो एन की पावर 1.2 हो रूट एन हो दैट मींस एनीथिंग

n रे टू दी पावर log a बेस b a और b value की वैल्यू जो कि 2 है पुट करा gofn की वैल्यू क्या आई n राइट right? अब मुझे यहां पे क्या करना होता है gofn कैलकुलेट करने के बाद मास्टर मेथड में हम उसे f ऑफ n के साथ कंपेयर करते हैं तो चलिए उसे कंपेयर करते हैं अब यहां पर ध्यान से देखिएगा f ऑफ n की वैल्यू क्या है n log n और gofn की वैल्यू क्या है n तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एफ ओफेन डिवाइड बाई जियोफेन तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा और जो फैक्टर बचेगा वो क्या बचेगा लॉग एन राइट तो हम यहां पर उसको कि एन की पावर में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो एन की कोई पावर ही नहीं बचती है हमारे पास एन की पावर रह जाती है जीरो और जो भी हमने मास्टर मेथड में पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक फैक्टर एप्सिलॉन होना चाहिए जो जीरो से बड़ा हो राइट तो देर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन एफ ओफेन एंड जीओ एन दैट कैन बी रीप्रेजेंटेड इन पावर ऑफ एन एप्साइलन जो था वो इंडेसिस था करेक्ट तो so वो तो हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं इस केस के अंदर तो so यहां पर वॉट वी विल बी चेकिंग इज के अगर एफोफेन जिये मल्टीप्लाइड बाई सम पावर ऑफ लॉगोफ एन है जस्ट रिमेंबर द वर्ड आई एम से

तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा रेगुलर मास्टर मेथड है वो फेल कर जाता है तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर extension theorem लगानी है। अब extension theorem लगाने के लिए मेरे को k की value देखनी है। k क्या है लॉग की पावर एफ ऑफ एन में लॉग की पावर इज योर के तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है वन विच इज ग्रेटर देन माइनस वन तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए दैट आंसर शुड बी जियोफेन मल्टीप्लाइड बाय जो लॉग की पावर है उसे एक एक्स्ट्रा के प्लस वन कर देंगे राइट तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा उसके अंदर हमें के प्लस वन कर देना है पावर का तो जियो फेन एज इट इज रहा तो आंसर क्या आना चाहिए एन लॉग की पावर टू क्योंकि एफ ओफ एन के अंदर लॉग की पावर क्या है वन राइट तो यहां पर पावर क्या हो गई टू तो दैट इज हाउ वी यू नो एक्चुअली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जिससे थोड़ा बहुत हमें क्लियर हो जाए कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहां पर भी अगर आप देखें तो एन स्क्वायर लॉग एन राइट द एफ एन इज नॉट पॉलिनोमियल राइट लॉग का मल्टीप्लीकेशन है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अपना जो हमारा गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं तो ए की वैल्यू फोर बी की वैल्यू टू और एफ ओफेन इज एन स्क्वायर लॉग राइट जियोफेन कैलकुलेट करा वैल्यू पुट करी ए और बी की जीओफे की वैल्यू आई एन अगेन कम्पेरिजन ऑफ एफेन एन जीओन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या फैक्टर बचता है ऑफ अगेन एप्सिलॉन तो कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि नहीं है तो क्या करा हम लोगों ने ये चीज कंक्लूड करी कि हम इसे मास्टर मेथड के जो हमारे पास पहले यू नो पोर्शन आते थे हम उनसे सॉल्व भी नहीं कर सकते तो ऑफ एफोफेन बड़ा जरूर है यहाँ पर राइट थर्ड केस वाली बात करते हैं तो ऑफ एफोफेन केस तो में एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा तो एफ ऑफ एन इज नॉट लार्जर लॉग्राडमिकली लार्जर है दैट मीन्स मास्टर मेथड केसेस फेल कर जाते हैं तो एक्सटेंशन थियोरम लगानी पड़ेगी यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन uh, है ये एक्सटेंशन थ्योरम में जो आंसर आएगा दैट विल बी एफ एन ओनली लेकिन लॉग की एक पावर इंक्रीज कर दी जाएगी तो अगर आप देखें तो इस फॉर्मेट में आपका एफ एन है दैट इज जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ लॉग ऑफ एन पावर इज के आंसर में हमें क्या करना है के की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करके लिख देना है देयरफॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन स्क्वायर लॉग स्क्वायर एन आई थिंक अब थोड़ा सा क्वेश्चन यू नो सॉल्व करना आप लोगों के लिए इजी होगा सो व्हाट एक्चुअली वी चेक इज पॉइंट नंबर वन दैट ऑफ एफोफेन शुड बी यू नो ऑफ जियोफेन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ लॉग ऑफ लॉगोफेन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मैंशन इन द क्वेश्चन इज कि ऑफ एफोफेन जो है वो पोलिनोमली कंपेरेबल नहीं है ऑफ जियोफेन के साथ वो लॉगरादमिकली कंपेरेबल है तो इसलिए मास्टर मेथड का केस वन टू और थ्री जो होता है वो फेल हो जाता है क्योंकि वो ऑफ एफोफेन के लिए है राइट वन मोर क्वेश्चन आई वॉन्ट टू टेल यू विच इज अटिल बिट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन अगर आप देखें पिछली स्लाइड के अंदर भी जो क्वेश्चन में हमारे पास एफ ओफ एन है वो एन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है वो डिविजन में आ गया है सो द क्वेश्चन विल बी सेम बट वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू यू नो लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो हम क्या करते हैं अपनी इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं एज इट इज रहता है जो लॉग ऑफ एन नीचे है वो उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर माइनस वन हो जाती है तो याद रहे यहां पर जो के की वैल्यू है वो माइनस वन है तो दूसरा केस लगेगा करेक्ट तो अगेन सेम हमारी अप्रोच ए बी और एफ ओफेन की वैल्यू लिख लेते हैं ऑफ जियोफेन कैलकुलेट करते हैं तो ऑफ फेन कैलकुलेट करने के बाद एन की पावर वन आया कंपेयर करा एफ ऑफ एन के पास गए तो यस इट इज एक्जैक्टली जी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ ऑफ एन राइट तो एफ uh, एन के अंदर भी एन की पावर वन है और जी ऑफ एन भी एन की पावर वन आया राइट right? तो दैट इज एप्लीकेबल समझ आता है कि एक्सटेंशन लगेगा लेकिन यहां पर एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा बिकॉज नाउ लॉग का पावर जो के होता है उसकी वैल्यू क्या है माइनस वन राइट right? तो यहां पर अगर देखें तो के की वैल्यू माइनस वन है एक्सटेंशन का दूसरा फॉर्मूला लगेगा दैट सेज दैट कि अगर ऐसा कुछ है तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑफ ऑफ मल्टीप्लाइड बाय लॉग लॉग तो आंसर आना चाहिए एन लॉग ऑफ लॉग एन रिमेंबर ये लॉग एन का लॉग है तो इसको स्क्वायर ना लिखे आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा इसी तरीके से अगर यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूं एन डिवाइडेड बाय लॉग स्क्वायर एन कर दूं राइट right? डिवाइडेड बाय स्क्वायर तो ऊपर जाके पावर माइनस टू हो जाएगी राइट right? तो माइनस टू के अंदर के की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारा जो कि एक्सटेंशन का थर्ड केस है तो डेफिनेटली आप लोगों को बस करना क्या है कुछ पॉइंट याद रखने हैं देखना है कि अगर एफ ऑफ एन पॉलिमियल नहीं है तो एक्सटेंशन अप्लाई करना है आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए एक्सटेंशन का जो यू नो कॉन्सेप्ट है आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा Right? So that's all with this video. Thank you for watching, and I shall be seeing you in the next lecture.